400 रुपए की राहत जनता को दी है, तो इससे कुछ राहत मिलने वाली है, क्या राय है आपकी? मोदी जी 9 साल तो लूट लिए देश की जनता को और महंगाई से त्रस्त कर दिया। अब जब देख रहे हैं कि चुनाव नज़दीक है और 2 राज्यों में उनकी हार फिलहाल हो चुकी है और 5 राज्यों के चुनाव आगे हैं, तो उन्हें समझ में आया कि जनता को थोड़ा सा झुंझुना दे दिया जाए 200 रुपए का, तो उन्होंने ये झुंझुना दे दिया है। किंतु जब हमें वही सिलेंडर 500 रुपए में राजस्थान में और कर्नाटका में और हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है, तो हम 900 रुपए का क्यों खरीदें? निश्चित रूप से और प्रदेशों में देखते हुए उत्तर प्रदेश में सिलेंडर की कीमत बहुत ज़्यादा थी, और ये जो इस समय इन्होंने 200 रुपए कम किए हैं, ये इन्हें खौफ है चुनाव का, इनको डर है कि हम चुनाव में जब जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे। लोग कहेंगे सिलेंडर राजस्थान में 500 का है, कर्नाटक में 500 का है, आप क्यों यहाँ पे 1200 का बेच रहे हो? आज भी इन्होंने जो गरीब जनता पर जो ये टैक्सेस लगा रखे हैं सिलेंडर के नाम पर, इनको निश्चित रूप से सिलेंडर चाहे चुनाव हो चाहे कुछ हो, इनको उसी कीमत पर देना चाहिए जहाँ और स्टेट्स में 500 रुपए का सिलेंडर मिला, उसी रेट में इनको देना चाहिए। जनता को सिलेंडर 200 रुपए की राहत दी है, आपका क्या विचार है? देखिए, इसे राहत कहना बेमानी है। आप लगभग कई साल से 400 का सिलेंडर जो था उसको आप 1150 का बेच रहे थे। ऑलरेडी आपने सिलेंडर पेट्रोल और डीजल पर उनकी कीमतें बढ़ाकर केंद्र सरकार ने लगभग 30 लाख करोड़ रुपया लूटा है जनता की जेब से। अब आप 1150 पर ले गए और अब वो आपने 200 की राहत दे दी, तो राहत कहाँ है? आप तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लूट चुके हैं। जी, मैं इस बात से सहमत हूँ, काफ़ी अच्छा काम कराया सरकार ने ये 200 रुपये, मगर इससे राहत मिलने की उम्मीद तो है। और इसके लिए और ज़्यादा ही कुछ करें सिलेंडर, जैसे हमारे कांग्रेस के राज्य हैं आपके, वहाँ पे जो गवर्नमेंट जिस हिसाब से वहाँ पर 500 रुपये सिलेंडर पे दे रही है, तो सरकार को इस नीति से भी खुश रहना चाहिए कि पब्लिक के लिए आसानी पहुँचे किसी भी सूरत से हर सेक्टर में। और ये भी बहुत सराहनीय कदम है कि 1100 रुपये का सिलेंडर लेके अब सिलेंडर 900 का मिलेगा, इससे काफ़ी मदद मिलेगी। गैस सिलेंडर के ऊपर 200 रुपये कमी हुई है, इसको कैसे देखा जाए? सर, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ये लोग घटाया गया सिलेंडर का दाम, जैसे चुनाव खत्म हो गया सर 1200 की जगह पर 1800 रुपये कर दिया जाएगा, अब फिर चुनाव आएगा फिर घटा दिया जाएगा उसका, फिर उसके बाद अभी चुनाव से पहले श्रम कार्ड जो महिलाओं को जो बना है उसमें 500 रुपये उनके खाते में डाला जाएगा, जिसके मतलब जिसके वजह से महिलाओं बीजेपी को वोट करेंगी। चाहते हैं कि 1500 से 1000 कर दिया जा रहा है, 1200 कर 200 रुपये घटा दिया जा रहा है, लोकसभा के चुनाव है उसी को देखते हुए घटाया गया है। श्रम कार्ड में अभी पैसा डाला जाएगा 500 रुपया चुनाव के देखते हुए। राशन कार्ड सब फ्री है, फ्री में राशन मिल रहा है, उसके बाद उस पर दाल तेल चीनी सब फ्री कर दिया जाएगा, चुनाव खत्म होते फिर महंगाई दर कम चलेगी। तो ये सरकार ने घोषणा किया है कि 200 रुपया सिलेंडर हम का दाम घटा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने सिलेंडर का दाम तो 800 रुपया बढ़ाया है, तो वो 800 रुपया बढ़ा करके 200 रुपया क्यों कम कर रही है? वो पूरा पैसा कम करती है तब लगता है कि हाँ सरकार जो पुराना रेट है उसको दे रही है। सही है, मेरी दृष्टि से इतना सही है, हर एक चीज़ का दाम बढ़ रहा है, तो सिर्फ सरकार ही अपना दाम क्यों घटाए? हम लोगों के धान गेहूँ चावल सबका रेट बढ़ रहा है, सिलेंडर का बढ़ गया थोड़ा सा, अभी तो 200 रुपया कम हुआ है। हाँ, 200 रुपया कम हुआ, बहुत खुशी की बात है कि 200 रुपया कम हुआ। जिस हिसाब से हम लोग गेहूँ चावल पहले बेचते थे, अब थोड़ा बढ़ कर बेचा जा रहा है। देखा जा रहा है कि गैस सिलेंडर में 200 रुपया की कमी हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर बहुत अच्छा यह व्यवस्था हो रहा है, महंगाई से कुछ लोगों को निजात मिलेगा, और यह अपनी सरकार की उपलब्धि है। सरकार उत्तरोत्तर विकास कर रही है और जनता को भी लाभान्वित कर रही है। जी, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर। प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हम महिलाओं की परेशानी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है कि जो भी परेशानी हो रही है वो मतलब 200 रुपये जो कम किया है उसके लिए मैं मतलब सामान्य वर्ग को बहुत परेशानी होती थी क्योंकि कोई सब्सिडी नहीं मिलती थी उन लोगों को, तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार और। मोदी जी ने बहुत छोटी सी सौगात दी है, जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था जो पुरानी बहुत बिगड़ी हुई थी वो सुधरते जाएगी, धीरे धीरे महंगाई बहुत कम होते जाएगी
और हर चीज़ों में छूट मिलती जाएगी, देश विकास करते जाएगा, सारे विकास हो जाए रहेंगे, फिर ज़्यादा कुछ करने को नहीं रहेगा, सिर्फ मेंटेन ही रहेगा, क्योंकि पहले बहुत अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई थी, खस्ता हालत में मोदी जी ने देश संभाला था, अब सारी अर्थव्यवस्था वो धीरे धीरे संभालते जा रहे हैं और भाजपा की सरकार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है इन सब चीज़ों में। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का त्यौहार है और मोदी जी हम बहनों को एक बहुत सुंदर रक्षाबंधन में सगुन दिए हैं, तो अंदर से हम लोग को इतनी खुशी हो रही है क्योंकि हम लोग की जैसी हम गृहिणी लोग आते हैं किचन में तो हमारी प्राथमिकता होती है गैस, उसी में ही हम खाना बनाते हैं, तो ये हमारी गृहिणियों की बहुत बड़ी एक प्राथमिकता है जो मोदी जी ने 200 रुपए कम करके हम बहनों को एक बहुत सुंदर तोहफा दिया है। मोदी जी ने कल 200 रुपए गैस सब्सिडी दी है, आप लोग कैसे महसूस कर रहे हैं? हम महिलाओं को मोदी जी जो 200 रुपए का सब्सिडी दिया सिलेंडर गैस में तो बहुत ज़्यादा अच्छा सराहनीय कदम है और बिना गैस के तो रसोई में कुछ काम नहीं होते, और महिलाओं का जो गैस में 200 रुपए सब्सिडी दिए राखी में एक बहुत अच्छा उपहार दिए हैं हम सभी महिलाओं को। सस्ता करना चाहिए, इतना महंगा आया है, बहुत ज़्यादा गरीब आदमी परेशान रहता है, लेकिन गरीब कहाँ से इतना महंगा सिलेंडर खरीदे, इतनी भी महंगाई क्या थोड़ी ना है भैया, सस्ती करो हर एक चीज़। सरकार ने जो 200 रुपए सिलेंडर घरेलू गैस का सस्ता किया है, आपकी क्या राय है? हाँ, सरकार ने अच्छा करा है, इस मारे के लकड़ी बहुत महंगी है, तेल बिल्कुल गायब हो चुका है, जो है मिट्टी का तेल बिल्कुल मिल नहीं रहा है, सरकार ने बहुत अच्छा करा है, इससे महिलाओं को जो है काफ़ी राहत मिलेगी इससे। लगता है जो सिलेंडर सस्ते हुए हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिक्री है क्या अभी? मैं लिया ही ना अभी सिलेंडर, लोग का तो पता चला ही, अच्छा है जब सस्ता हुआ तो अच्छा है, बढ़िया कराया जब सस्ता हुआ तो। जिस तरह से सरकार ने 200 रुपए घरेलू सिलेंडर पे कम किया है, क्या लगता है जनता को राहत मिल पाएगी? ये तो राहत तो मिल जाएगी 200 रुपए में, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर समझ में नहीं आ रहा है कि बिजली महंगी कर दी और सिलेंडर सस्ता कर दिया। पहले 600 रुपए का सिलेंडर था, उसे हल्के हल्के 1200 में किया, 1200 के बाद 200 घटा दिए, इधर बिजली बढ़ा दी 1 रुपए कुछ पैसे। बिजली 24 घंटे चाहिए, सिलेंडर महीने में एक बार चाहिए, तो बिजली के भी पैसे कम होना चाहिए। रक्षाबंधन में गरीब आदमी जो सरकार ने सिलेंडर 200 रुपए सस्ता किया, क्या इसमें गरीब आदमी का फायदा हुआ थोड़ा बहुत 200 रुपए का? और अच्छी बात है, बहुत राहत मिली सर, 200 रुपए बहुत होते हैं गरीब आदमी के लिए। वैसे तो आदमी अब चोरी भी कर रहा था, लाइट की चोरी भी ना करेगा वैसे देखा जाए तो, 200 रुपए बहुत हुआ है। हमने सिलेंडर पे पैसे कम किए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे अच्छी बात है, विशेषकर महिलाओं के लिए ये एक उपहार है और त्यौहार पर सरकार को सराहना करना चाहूँगा। एक बात बता दूँ कि कुछ लोग इसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं, सर आपको सरकार के भी हाथ में देखिए, 2024 राजनीतिक की बात है, 2024 का चुनाव भी आ गया है, इसीलिए तो कह रहे हैं लोग कि सरकार ने सिलेंडर 2024 के चुनाव का भी काफ़ी समय है। सिलेंडर में पैसे कम हुए हैं, क्या कहना है आपका? अरे सर, बहुत अच्छी बात है, ये सिलेंडर बहुत तेज और महंगा भी हो गया था लेकिन कम हो गया, बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहते हैं इसमें कि 200 रुपए कम हुए हैं? 200 रुपए एकदम कम हो जाना बहुत बड़ी बात है, अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, परिवार के लोगों का बजट में कुछ आराम मिली है और सरकार ने 200 रुपए सिलेंडर में कम किए हैं, क्या कहना है? सरकार ने जो 200 रुपए सिलेंडर में कम किए हैं, अच्छा काम किया है उनके द्वारा, लेकिन जो लोगों के द्वारा कहा जा रहा है चुनाव के टाइम पे किया है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, चुनाव यहाँ पे एक पर्व के रूप में मनाया जाता है और पर्व के टाइम पे कोई भी काम किया जाए इसमें कोई बुराई नहीं। बहुत अच्छी है, लाभ मिला है, 200 रुपए कम हुए हैं और गरीबों का बहुत हुआ है कि और सस्ता हो जाए, इससे बहुत अच्छी बात है। चुनाव आ रहा है और सरकार ने 200 रुपए सिलेंडर में कम किए हैं, क्या कहना है? चुनावी माहौल में 200 रुपए सिलेंडर पे कम किए हैं, चलिए सरकार को ये तो याद आया कि गरीबों के लिए 200 रुपए कम किए सिलेंडर पर, लेकिन सरकार को चुनावी माहौल में ही अगर वो पेट्रोल डीजल अन्य ज़रूरत की चीज़ों पर भी ध्यान दे दें, वैसे तो नहीं लिया जाता है आमतौर पर, लेकिन चुनाव के ही समय पर कम होते हैं
तो जो हमारी मेन जो जरूरतें हैं सामान्य वर्ग की, अन्य चीज़ों पे पेट्रोल डीजल पे भी अगर कटौती हो जाए तो थोड़ा महंगाई पे कंट्रोल हो जाएगा। सिलेंडर में पैसे कम किए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं ये आरोप भी लगा रही हैं सरकार ने कम किया। देखिए महंगाई का घटना बढ़ना ये चलता रहता है, जैसे महंगाई बढ़ रही है लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, मतलब सरकार पे लगाते हैं आरोप, महंगाई बढ़ रही है। अब आज कम किए हैं तो वो कहते हैं कि हमने कम करा दिया, हमारा जो था उनका कहना है कि हमारा जो गठबंधन उसने कम करा दिया। ये महंगाई है, सभी जानते हैं महंगाई है, लेकिन हम लोग जब हमारे जो उपभोक्ता होते हैं बढ़ रहे हैं ना, तो जितनी मांग बढ़ेगी उस हिसाब से महंगाई बढ़ती है। सिलेंडर में पैसे कम किए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, वैश्विक स्तर पर हमेशा जो है मूल्य का नियंत्रण घटोत्तरी और बढ़ोतरी हुआ करती है, निश्चित तौर पर इसमें सरकार का कोई रोल नहीं हुआ करता है। और हमारे यहाँ तो प्रत्येक वर्ष कहीं न किसी प्रदेश में कहीं न कहीं तो चुनाव हुआ ही करते हैं, और इसको अगर चुनाव से जोड़ के देखा जाता है तो मुझे कदापि ये समझ में नहीं आता है कि जो लोग इसको चुनाव से जोड़ के देखते हैं ये चुनाव की वजह से तो संभव नहीं है। देखो सबसे पहले तो मैं इसमें सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने 200 रुपया सिलेंडर का दाम कम किया, इसमें कई गरीब लोगों का हित की बात की उन्होंने इसमें। तो सरकार की पॉलिसी हो तो बेकार पॉलिसी है, कभी बढ़ा रहे कभी घटा रहे, उसमें तो कोई वो रीज नहीं है, कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं। ये सिर्फ वोट के लिए कर रहे सरकार, फिर वही बढ़ा देगी आगे चल के, ये सरकार से निकलने सरकार है। बहुत ज़्यादा राहत मिली है, और भी चीज़ें जैसे रसोई की हैं या कुछ हैं राशन गरीब लोगों के लिए होनी चाहिए, और भी चीज़ सस्ती, बहुत अच्छी बात है, ये कदम बहुत अच्छा उठाया सरकार ने, बहुत राशन की है सारी चीज़ें होनी चाहिए भाई गरीबों के लिए, तो हम लोगों के लिए तो फिर भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये मतलब सही तो है, मतलब गरीब लोगों के लिए राहत मिल जाएगी, मतलब थोड़ी सी ना कि सब चीज़ मतलब सस्ती होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि रसोई का सारे जो दाल है सब तेल है सब महंगे ही हैं, कि तो ये सस्ते होने चाहिए, और क्या हम तो यही चाहते हैं बस। मैम जैसे कि हम 1150 रुपये का सिलेंडर ले रहे थे, उसकी जगह अगर 900-950 का मिलेगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हर महीने रक्षाबंधन का गिफ्ट जो है इस तरह से 250-250 रुपये मिलता रहेगा, उसके लिए थैंक यू है सरकार का। कोई रेट तो घटाए हैं मगर थोड़े ने होर घटा देने चाहिए इन्हों, क्योंकि थोड़ी नहीं राहत मिली है, थोड़ी नहीं होर घरेलू वास्ते भी और व्यापार वास्ते भी बहुत वधिया रहेगा, तो माड़ा ना होर रेट घटा देंदा अच्छी गल है। पंजाब विच हड़ दे कारण बड़े पहले ही नहीं 200 रुपये का कुछ भी नहीं होंदा, थोड़ा ना होर घटा देना तो अच्छी गल है, तो होर भी चीज़ों के रेट घटा, ऐसी गल नहीं है, महंगाई बहुत बहुत उपर चक चल रही है, थोड़ा ना महंगाई तो आराम मिले हरेक बंदे नू, घरेलू नू भी व्यापारी नू भी हरेक नू मिले। एकदम से महंगाई बहुत ज़रा पीक पे हाइट पे चली गई थी, अब थोड़ा सा कम हुआ है, पर और फील्ड में ये कम होना चाहिए, और भी जैसे क्षेत्र हैं दाल वगैरह और ये और कम होने चाहिए प्राइस, ये अभी तो कुछ मरहम लगी है, कोई बात कोई इसमें मतलब नहीं शक कि त्योहारों के मद्देनजर ये मरहम लगाई है गवर्नमेंट ने, पर अभी भी और कम होने चाहिए। लेकिन बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट से अपील है कि बिल्कुल कम करो रेट भाई, अपने टैक्स कम करो, और लोगों को थोड़ा सा जो हड़ों से भी नुकसान हुआ है थोड़ी सी खुशियां मिलनी चाहिए, जो खुशियां छिन गई हैं उनसे पंजाब के लोगों से वो वापस आए। ये तो बहुत बढ़िया किया केंद्र सरकार ने, पर मुझे लग रहा है गवर्नमेंट को भी चाहिए, जो फ्लड के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उसके लिए भी कुछ करना चाहिए उनको। जैसे हड़ के कारण पंजाब की गंभीर स्थिति बहुत खराब है, जिसके कारण सब्जियों के भी रेट ले, क्या लगता है केंद्र सरकार का ये उपराला बढ़िया रहा? ये बढ़िया ही उनका, ये अच्छा उनके लिए। कैसे देखते हो आप इसको? बहुत अच्छा उपराला है, ये होना भी चाहिए था, क्योंकि आम जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा वैसे ही बोझ है महंगाई का, तो ये एक अच्छा उपराला है उनका। बात करें हैं पिछले साल पंजाब में अभी जो हड़ के कारण बड़ा नुकसान हुआ है, किसानों का भी नुकसान है, सब्जी के भी रेट आसमान छू रहे थे, सिलेंडर डीजल पेट्रोल सब बढ़ गया, क्या लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि 200 रुपया भी कम नहीं होता जो गरीब जनता है, है ना। अगर ये और भी उपराला करे पंजाब सरकार तो मेरे लिए ये अच्छा ही होगा सबके लिए, क्योंकि जो गरीब जनता है जिनके लिए हम खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो उनके लिए तो 200 रुपया भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है।
तो ये जब कर रहे हैं, जब पंजाब सरकार वो राजस्थान सरकार ने 500 रुपये कम कर दिए उसके उसमें करा गया है भी, और 200 रुपये करने से क्या होता है भाई, करें तो बराबर ही करें। जी सर, क्या नाम है आपका? अफगान अंसारी। भैया, ये सिलेंडर में 200 रुपये कम सरकार ने करा रखे होने से जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया ये है सर कि 200 रुपये हो गए कम सिलेंडर पर, बहुत अच्छी बात है, बहुत महंगा हो रहा था, लेकिन 400 रुपये से 1100 करके उसमें 200 रुपये घटा दिए, ये भी जो है देखना पड़ेगा, फिर भी 500-600 रुपये महंगा ही चल रहा है। भाई साहब, सिलेंडर पे 200 रुपये कब हुए सरकार ने रक्षाबंधन से पहले करा, उसका आपकी क्या प्रतिक्रिया? गैस सिलेंडर तो टोटली फ्री होना चाहिए, आपने 1000 रुपये बढ़ाकर 200 रुपये कम कर दिए, कोई एहसान नहीं कर दिया। त्योहारों के दिन आ रहे हैं, राहत मिलेगी गरीब पब्लिक को कोई बात नहीं है, लेकिन ये 200 रुपये से होना कुछ नहीं है, एक बहुत ही कम रुपयों को कम किया गया है, कम से कम 600 रुपये कम होने चाहिए, तब जाके पुराने रेट पर आदमी आम राहत सी महसूस करेगा, महंगाई बहुत है। ऐसे स्वागत योग्य फैसला है, फिर भी अभी मैं समझता हूँ कि जितनी महंगाई है अभी रेट और कम होने चाहिए, फिर भी इस फैसले का हम स्वागत कर रहे हैं। रक्षाबंधन का तोहफा दिया है, महिलाओं के लिए रसोई घर में गिफ्ट है एक तरह का, एक सरकार का। सरकार ने ये सिलेंडर पर पैसे कम नहीं किए, ये अपना चुनावी दाव खेला है, सरकार की नीयत पैसे कम करने की नहीं थी, सरकार की नीयत चुनावी दाव खेलने की है, सरकार को आदत बन चुकी है एक सर्वे को बनाकर वोट हासिल करने का फॉर्मूला बना रही है सरकार। आपका? वीर सिंह भाटी। भाटी जी, ये पैसे कम करे सिलेंडर पर सरकार ने, क्या कहेंगे? बढ़ा तो दिए थे पहले, तो वो अपने कम कर ले, अपने ज्यादा कर ले सरकार, इसमें कोई जोर लेना देना ना। मैं मोदी सरकार के इस फैसले के लिए बहुत खुश हूँ, और मुझे लगता है आम जनता भी इस फैसले को सुनकर बहुत खुश होगी, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी के लिए भी ये एक अच्छा, एक खुशी की बात है, और आज राखी के त्योहार की पर जो उन्होंने फैसले लिए, लेकिन जो बहुत गरीब जनता है उनके लिए 200 रुपये में, मतलब कि उनके लिए तो मैं कहूँगी बहुत अच्छी खुशी की बात है, कि वो लोग कितना खुश होंगे जो लोग आज गरीब लोग जो आज सिलेंडर फिल कर लाएंगे, है ना, उनके घर की सब्जी, मैं कहूँगी एक मिठाई का डिब्बा ही अपनी बहन के लिए वो ला सकते हैं, तो मैं तो इस फैसले को लेकर बहुत खुश हूँ। मैं इस फैसले को बहुत पॉजिटिव वे में देखती हूँ। मैं यही कहना चाहूंगी कि 200 रुपए छोटी अमाउंट नहीं होती, उन्होंने एक बहुत बड़ी अमाउंट का रिडक्शन दिया है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, सब्जियां पानी सब कुछ आ जाता है, और मैं इसको एक बहुत अच्छी तरीके से देखूंगी कि एक भाई ने एक बहन को तोहफा दिया 200 रुपए कम करके, तो थैंक यू। मोदी जी ने बहुत अच्छा ये फैसला किया है कि गैस के सिलेंडर को 200 रुपये कम कर दिया, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, और उन्होंने दिन बहुत अच्छा चूज किया, जो कि एक रक्षाबंधन का दिन है, और जब जब बंदा जाके सिलेंडर खरीदेगा उसको याद आएगा कि रक्षाबंधन के दिन 200 रुपये कम किया था, और 200 रुपये में बहुत कुछ आ जाता है, एक बार आप सिलेंडर लेने जाओ तो 2 किलो आटा भी आप साथ में ले आओ उसी दाम में, तो ये बहुत अच्छा फैसला है, इसके लिए मोदी जी को सलाम। ये एक अच्छी सौगात है केंद्र सरकार ने जो एक तोहफा दिया है रक्षाबंधन पे स्पेशली महिलाओं को, तो हम इस चीज का तहे दिल से स्वागत करते हैं, केंद्र सरकार को भी हम इस चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एटलीस्ट कुछ तो सोचा, इस महंगाई के ज़माने में कुछ तो राहत मिलेगी हमें। चुनाव आ गए तो उसके दाम घट गए हैं, चुनाव के बाद पुनः बढ़ा दिए जाएंगे, उससे डबल बढ़ाए जाएंगे, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात थोड़ी ना है कि महंगाई सोचिए कम करें या पब्लिक की जेब पे सोचिए कर रहे हैं, ये तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, कौन कितना वोट देता है इस वजह से कर दे रहे हैं, वोट मिल जाएगा फिर ये 400 रुपये दाम बढ़ा देंगे। गैस सिलेंडर का ये जो दाम घटा हुआ है, इससे आज के टाइम पे जो समाज में जिस तरीके की अनइवननेस मैं कहूँगा चल रही है, जो पैसे को लेके इकोनॉमी एक बराबर नहीं है, तो कम से कम एक ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि सभी के लिए आदमी एक्सेसिबल हो चुका है गैस सिलेंडर, अब कम से कम जो आदमी नहीं ले पा रहा था, जिसको महीने खर्चे में अलग से पैसा निकाली गैस सिलेंडर के लिए भरपाई करनी पड़ रही थी, कम से कम वो एक बराबर हो रहा है, तो अब हर आदमी कम से कम अफोर्ड कर सकता है गैस सिलेंडर। ये जो गैस के दाम जो घटाया गया है, उसमें जो टोटल चुनावी मुद्दा है, अगर सरकार को अगर दाम घटाना ही था तो आज से 2-3 साल पहले घटा लिए होते, जब चुनाव के 5-6 महीने बचे हैं तो सरकार से 200 रुपया घटा के जनता को अच्छा क्या कहना चाहेंगे जी, जो देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 200 रुपये का सिलेंडर सस्ता किया है और महिलाओं को तोहफा दिया है,
रक्षाबंधन के त्यौहार पर इतना अच्छा तोहफा मिलना बहुत ही खुशी की बात है। पहले बहुत महंगा था सिलेंडर, गैस सिलेंडर, दिक्कतें आती थी बहुत, ये भी दिखाता है कभी कब कब ना रह जाए सब्जी खाना बनाते हुए, बट अब ये है कि 200 रुपये सस्ता हुआ है तो हम जल्दी से दूसरा सिलेंडर ला भी सकते हैं, इतना बोझ नहीं पड़ता जितना पहले पड़ता था। ये बहुत अच्छा लगा सिलेंडर 200 रुपये कम हुआ है। और जैसे पहले रिश्तेदार आते थे तो चाय भी बनाते थे, कुछ भी काम करते थे पहले सोचना पड़ता था कि कहीं बीच में खत्म ना हो जाए, तो अब बहुत राहत मिली है इस चीज़ से, मतलब ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में देश भर की महिलाओं को तोहफे के रूप में एलपीजी सिलेंडर में 200 रुपए की छूट दी है। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं महिलाओं का इस पे क्या है कहना। क्या नाम है आपका? बीना देवी, मैं बिहार से हूँ। बिहार से, बिहार से। आपको मालूम है ना कि मोदी सरकार ने जो है एलपीजी सिलेंडर पे 200 रुपए की सब्सिडी दी है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोदी को बधाई देते हैं। अच्छा। रक्षाबंधन के, क्योंकि गरीब लोग के लिए 200 रुपया बहुत मायने होते हैं ना। हर महीने क्या हो गया ना कि रक्षाबंधन पर हुए हैं? नहीं नहीं, हर महीने, हर महीने के हुए हैं ना, तो अब गरीब लोग के लिए आप लोग कितनी मेहनत से करते हैं, 200 रुपया बच गया उनके लिए तो अच्छा ही है। अच्छा, हाँ जी। मतलब कैसा महसूस करें कि ये कितना ज़रूरी था, नहीं था, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे कि जब से मोदी सरकार आए ना तब से तो अच्छे ही कर रहे हैं उन्होंने, गरीब लोग के अच्छे ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे ही कर रहे हैं उन्होंने। नहीं, वो अच्छी लग रहा है, बहुत ही अच्छी लग रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए कि साधारण मनुष्य के लिए देखा तो अच्छी लग रहा है, क्योंकि 200 रुपया महीने में कम हुआ तो साल में 2400 रुपया कम हो जाएगी, तो बहुत ही अच्छी लग रहा है महिला के लिए, तो और भी अच्छी है, क्योंकि हम 5-10 रुपया कम कर इकट्ठा जमा करते करते एक बार में 200 रुपया आएगी, तो 200 रुपया हमारे लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। क्या कहना चाहते हैं कि एक घरेलू महिला के लिए, वैसे हर एक महिला के लिए 200 रुपए की बचत होना हर महीने कितनी बड़ी बात है, या क्या महसूस करते हैं? बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ना 200 रुपया काफ़ी कम हुआ, मैंने काफ़ी साल में 2400 रुपया कम है, तो बहुत ही अच्छी बात है। 200 रुपए तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए, 200 इतने सालों में 200 रुपए केवल कम किया है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में देखते हैं क्या करते हैं मोदी जी, ये तो कुछ भी नहीं है, 200 रुपए से क्या होगा। आपको क्या लगता है एक महिला के लिए 200 रुपए की बचत होना हर महीने कितना अच्छा है या कम है, कैसे देखते हो आप इसको? बहुत अच्छा है, 200 रुपए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा होना चाहिए था, और आगे आने वाले टाइम में देखते हैं कि मोदी जी क्या करते हैं, इलेक्शन के बाद में देखा जाएगा वो तो। ये कुछ नहीं है, सारा इलेक्शन के लिए किया जा रहा है, इलेक्शन के होने के बाद में दाम फिर से बढ़ जाएंगे, कोई नई बात नहीं है। पेट्रोल डीजल का रेट देख लीजिए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं इस टाइम पर, तो जब देनी है छूट तो सब में चीज़ दिए जाए, डीजल में दी जाए, पेट्रोल में दी जाए। तो आपको ये फैसला कैसे लग रहा है, मतलब कि ये चुनावी वादे लग रहे हैं या क्या लग रहा है कि कुछ अच्छा किया है? नहीं, ये चुनाव के टाइम पर ही करते हैं सारा कुछ, जो भी करना होता है उन्होंने, उसके बाद में आप देख लेना, उसके बाद सब बढ़ जाएंगे रेट। प्रधानमंत्री जी ने गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की कम कर दी है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का निर्णय और कितनी राहत मिलेगी लोगों को? भाई ये बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, क्योंकि बहुत गरीब लोग भी बेचारे परेशान थे, उनके लिए 200 रुपये बहुत ज़्यादा फायदा है। इस बात में बहुत ही ज़्यादा फायदा हो गया, उज्ज्वला योजना 400 रुपये कम किए, ये गरीब आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा मोदी जी का। महंगाई लगातार बढ़ रही थी, 1100 प्लस में था सिलेंडर। जी जी जी, तो 200 रुपये कम होकर 926 रुपये का मिलेगा। हाँ, तो ये बहुत ही बढ़िया है मोदी जो सबका साथ, सबका विकास और सबके सहयोग की भावना से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, वह सराहनीय हैं, और उन्होंने ये 200 रुपए जो कम किए हैं इससे रसोई के लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और घर का बजट में सहयोग मिलेगा। गैस जो सिलेंडर है उस पर 200 रुपए सस्ता कर दिया है। हाँ। क्या उससे आप लोगों को फायदा हुआ, क्या कहेंगे आप? हाँ। क्या कह रहे, फायदा बहुत हुई का है, तो सरकार लगातार गरीबों के साथ है और किसानों के साथ है, तो क्या कहना चाहेंगे? जय कह भैया, सुख का आराम करो, सुख करो, सरकार से फायदा हुआ है। हाँ, सरकार ने 200 रुपए सिलेंडर सस्ता किया, क्या ये जनता के हित में है और बहुत अच्छा निर्णय है। जनता शायद रसोई के मामले में गैस से थोड़ी पीड़ित भी थी,
और 200 रुपए की बहुत बड़ी रियायत होती है। सिलेंडर जो था उस पर 200 रुपए की कटौती की गई है सरकार द्वारा, क्या जनता के हित में अच्छा गवर्नमेंट ने काम किया, राहत मिलेगी इस घरेलू सामग्री के लिए। निश्चित रूप से अच्छी खबर है और गृहणियों के लिए थोड़ा राहत मिलेगी और निम्न परिवारों के जो निम्न परिवार के लोग हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। और इस पेशन के अवसर पर ये किया है तो निश्चित रूप से त्यौहार में भी लोगों में खुशी की रहे इस बात को भी सुन के हो रही है कि जो है 200 रुपये सिलेंडर पर कम हो गए, सरकार अच्छे काम कर रही है।